हम चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक किए थे हमने, अब उससे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 4x, देन एफ आर किसके इक्वल्स होगा। मीन्स हमें इसकी क्या बतानी है, रेंज, क्या क्या फंक्शन की वैल्यू आएंगी सभी रियल नंबर के लिए, इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी यूज़ होंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो यूज़ है वो हम बता देंगे इसमें। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, इसमें मैं साइन स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और साइन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वैल्यू बन गई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आगे ले आए, और ये वैल्यू बनी साइन रेज टू पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको आगे लिख लिया था। ये वैल्यू 1 होती है, प्लस इसमें से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहे हैं दोनों से, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमने इसमें साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ से इससे माइनस कॉमन आएगा, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स का माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमने 10th क्लास में पढ़ा क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है कि हमारे पास जो अभी याद रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वैसे, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, दोनों में एंगल सेम हो तो वो साइन 2 से मल्टीप्लाई हो तो साइन का डबल एंगल हो जाएगा जितना है उतना 2x। तो इसके लिए 2 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो एफ एक्स की ये वैल्यू बन गई 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4, स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर देख सकते हैं हम इनको इकट्ठा करने के लिए, हमने कोस स्क्वायर को हटाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपडेट कर दिया, ये 1 बन गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस भी कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर एक्स बन गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर क्या बनाया है साइन 2x, तो साइन 2x बाई 2 का स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू है चाहे कितना भी एंगल हो उसकी वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होती है, साइन और कोस के, साइन और कोस की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होती है, ये रिजल्ट है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये भी हम। साइन क्यों होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो हाइपोटेन्यूस से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 से छोटी वैल्यूज होंगी और 0 से स्टार्ट होती हैं,
जीरो डिग्री पर जीरो, ऐसे 90 पर 1। तो जितनी प्लस की वैल्यू होती है उतनी माइनस की, तो इसकी वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में साइन थीटा की। तो sin 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच होगी। तो स्क्वेयर करेंगे तो जो माइनस के नंबर हैं वो भी क्या बन जाएंगे, प्लस के। तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 से लेकर 1 तक। तो वैल्यू रह जाएगी 0 से लेकर 1 तक स्क्वेयरिंग करेंगे। जब स्क्वेयरिंग नीच टर्म, तो -1 का स्क्वेयर +1 बन जाएगा। sin 2x की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है तो sin²x की वैल्यू, sin²2x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी। और हमारे पास ये बनाया है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से अगर किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ऐसी हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हमें तो इस कंप्लीट नंबर की वैल्यू चाहिए, तो किससे डिवाइड कर दें, 4 से। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 < > -1/4। अब हम क्या करेंगे, सभी में 1 ऐड कर देंगे ये बनाने के लिए। सभी में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 > 1 -sin²2x/4 > 1 - 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 - sin²2x/4 इसकी वैल्यू 3/4 से ग्रेटर है और किससे लेस है, 1 से। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4 से बड़ी, ग्रेटर 3/4 और लेस टू 1। तो वैल्यू आंसर आ गया, ये एफ एक्स ही तो है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 से लेकर 1 तक आ गई। तो एफ एक्स की जो जो वैल्यूज हैं वो क्या बनाएंगे, उसकी रेंज है। तो एफ आर की वैल्यू आ गई, हमने कैसे निकाली है वो सारा मेथड ही लिख रखे हैं हमने। देखो एफ एक्स गिवन था, उसका हमने ऐसे चेंज किया, इसको भी ऐड कर दिया, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉमन ले लिया, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, sin²2x/4। sin²2x है वो -1 और 1 के बीच होता है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 0 और 1 के बीच होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये बाई 4, ये 4। अब 1 ऐड कर देंगे सभी में, क्योंकि इसकी ज़रूरत के अनुसार 1 चाहिए ना इसके साथ। तो एडिंग 1, यहाँ पर हमने क्या किया है, एडिंग 1 इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में 1 ऐड किया है। यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग इन ईच साइड बाय -1। सभी को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ पर 4 से डिवाइड किया था इसे ऊपर, और इसमें 1 ऐड किया था, इसमें क्या कराया था, 4 से डिवाइड, डिवाइडिंग बाय 4 इन ईच टर्म, 4 से डिवाइड किया था। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया है, sin²x क्या होता है, 2 sin x cos x, एंगल डबल हो जाता है अगर साइन और कोस दोनों, तो ये फॉर्मूला यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x / x - 4 इज गिवन बाई, इसकी ये बतानी है डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन वो होती है जिसके लिए फंक्शन एक्स की उन वैल्यूज को हम डोमेन में रखते हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आए। तो फंक्शन की वैल्यू रियल कब नहीं आएगी, जब डिनोमिनेटर में क्या हो जाए, वेन x - 4 = 0, जब x की वैल्यू 4 हो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस में एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, रियल नंबर नहीं आ रहा, वेन एक्स इज इक्वल टू 4। तो डोमेन आ गई है इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू r - 4। इसका मतलब हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं एक्स की जगह, छोड़ कर किसको, 4 को।
अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। रेंज जो जो एफ एक्स की वैल्यू आएंगे उन्हें रेंज कहेंगे। हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। एक्स माइनस फोर से एक्स माइनस फोर कैंसिल, वैल्यू आ गई -1। इट मीन्स ओनली वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस फोर। फोर को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि फोर के केस में तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, वैल्यू नहीं आ रही। तो एफ एक्स की ओनली वन वैल्यू, सो इट्स रेंज इज, इसकी रेंज आ गई हमारे पास -1, डोमेन आ गई आर माइनस फोर और रेंज आ गई -1। तो ये सी ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, तो रेंज आ गई -1 और डोमेन आई है आर माइनस फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए सेट गिवन है 1, 3, 5, देन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी ऑन ए, तो आइडेंटिटी रिलेशन हमने क्या बताई थी, उस सेट जिस सेट पर भी रिलेशन बनाई जा रही है उस सेट का ईच एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, तो वो क्या बनाएगा, उसके आइडेंटिटी रिलेशन। तो ऐसे पेयर्स क्या क्या होंगे, अपने आप से जो रिलेटेड होंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे। तो पेयर्स आएंगे 1, 1, 3, 3 और 5, 5। ओनली जो अपने आप से रिलेटेड हों ओनली वही पेयर्स क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आर के अंदर क्या पेयर्स आए, 1, 1, 3, 3 और 5, 5, ये क्या बन गई, आइडेंटिटी रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, खुद के साथ ही हो केवल रिलेटेड, और किसी के साथ उस सेट के एलिमेंट रिलेटेड ना हो, क्या बनेगी, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये बन गया आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए सेट गिवन है 1, 2, 3, बी सेट गिवन है 1, 4, 6, 9 एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन रेंज ऑफ आर इज, आर रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स बिलोंग कर रहा है किस में, ए में, और वाई बिलोंग कर रहा है बी। ये डेफिनेशन है आर की। वो सारे पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर है। तो आर के अंदर क्या क्या पेयर्स आएंगे, 1 है, वो 1 से बड़ा है क्या, नहीं है, 1 किसी से भी बड़ा नहीं है, इस सेट का 1 एलिमेंट किसी से बड़ा नहीं है, तो 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि जो रिलेटेड होंगे वो ही पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर हो। तो 1 तो इसमें किसी से भी ग्रेटर नहीं है। अब 2 की बात करते हैं, 2 किस से ग्रेटर है, 1 से, तो 2, 1 आ जाएगा, बाकी 2 किसी से ग्रेटर नहीं है, 6 से और 9 से ग्रेटर नहीं है, तो ये पेयर्स नहीं आएंगे। और क्या आएगा, 3, 1 आएगा, तो ओनली 2 पेयर्स आए, क्योंकि 3, 4 और 3, 6 और 3, 9 नहीं आएंगे, क्योंकि वो इससे ग्रेटर नहीं है। तो ओनली 2 पेयर्स आए हमारे पास। इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा था देन रेंज ऑफ आर इज, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होती है, जो सेकंड कंपोनेंट है पेयर का, सेकंड कंपोनेंट है उनको कलेक्ट करते हैं तो क्या मिलती है, रेंज। तो इस रिलेशन की रेंज मिल गई हमें ओनली 1 एलिमेंट विच इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम 11, 12, 13 टू 8, 10, 12 डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री देन आर माइनस देन आर इनवर्स इज, आर इनवर्स क्या होगा ये बताना है। रिलेशन किस तरह से है, एक्स का एलिमेंट किस से रिलेटेड है, वाई से, किस रिलेशन से, इस सेट से इस सेट पर,
तो एक्स की जगह हमें इसके वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू इसमें जानी चाहिए। तो 11 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, 8। नेक्स्ट हम वैल्यू रखें एक्स की जगह 12, तो वाई की वैल्यू आएगी 12 माइनस 3, कितनी आ गई, 9। नेक्स्ट हम एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे 13, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3, 10। तो जो इसके अकॉर्डिंग पेयर्स आए वो तो ये आए, एक्स की जगह 11 रखे तो 8 आया, 12 के साथ 9 आया और 13 के साथ 10 आया। तो इसमें ये पेयर आर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 है वो इस सेकंड सेट में नहीं है, 9 है वो सेकंड सेट में नहीं है, तो ये पेयर्स आर में नहीं होगा। 12 9 क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 9 डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड सेट बी, फर्स्ट एलिमेंट पहले से सेकंड दूसरे से और इस रिलेशन में होने चाहिए। तो ऐसे हमने एक्स की वैल्यू रखते गए, यहाँ से वाई की वैल्यू आती गई, वो इसमें जानी चाहिए। तो दो पेयर्स हुए आर में, आर क्या बने हमारे पास, 11 8 और 13 10। अब इसका आर इनवर्स बनाएंगे हम, तो आर इनवर्स जितने भी पेयर हैं उन सब का उल्टा कर दें, 8 11 और 10 13, तो ये आर इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एन ए इज इक्वल टू एम एंड एन बी इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट एन है, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, एम एन होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनती हैं, जितने इनके सबसेट हैं। तो सबसेट किसी भी सेट के कितने होते हैं, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन होंगी 2 रेज टू पावर एम एन। इनमें सबसेट है इसके, तो इनमें एक एम्पटी सेट भी है, एक सबसेट, तो एम्पटी सेट है, तो अब नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन, क्योंकि फाई भी क्या होता है, सबसेट, तो वो भी एक रिलेशन होगी, तो नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन क्या होंगी, इसमें एक रिलेशन कम कर देंगे, तो 2 रेज टू पावर एम एन माइनस 1, क्योंकि कोई भी सेट है उसके सबसेट में फाई होता है, तो एक रिलेशन तो फाई है इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस में, तो हम एक रिलेशन कम कर देंगे, फिर वो जो रिलेशन बचेंगे वो क्या होंगी, नॉन एम्पटी रिलेशन, क्योंकि एक रिलेशन तो एम्पटी रिलेशन होती है, क्योंकि एम्पटी सेट भी क्या होता है, सबसेट किसी भी सेट का, तो एक रोस बी का एक सबसेट तो फाई होगा, और फाई सबसेट होगा तो फाई रिलेशन बनेगा, क्योंकि इसके जो भी सबसेट हैं वो रिलेशन कहलाते हैं, एक रोस बी के जितने भी सबसेट हैं, तो ये फाई भी रिलेशन कहलाएगा। तो टोटल रिलेशन इतनी है, तो इसमें से एक रिलेशन कम कर देंगे, तो नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए सेट गिवन है 1 8 27 64 125, और बी सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, एंड आर विद रिलेशन, आर रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज क्यूब ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, इस तरह से पेयर्स हैं। तो हमें इसमें कोडोमेन बतानी है आर की क्या होगी। कोडोमेन क्या होती है, जो सेकंड सेट होता है, जहाँ से सेट रिलेशन ए सेट से बी सेट पर है, ए टू बी, ये बता रखा है, ए टू बी है, तो बी सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन ऑफ आर क्या होगी, कंप्लीट सेट बी, जिस सेट से जिस सेट पर रिलेशन होती है, तो जिस सेट पर रिलेशन लास्ट में जो सेट होता है, जिसमें सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, वो जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन, क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो इसकी कोडोमेन हो गई बी सेट, और बी सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, आर बी रिलेशन डिफाइंड बाई
आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट, सॉरी एक्स एक्स प्लस फाइव सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन फोर। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो किससे लेस है, फोर से। तो नेचुरल नंबर जो फोर से लेस है वो है एक्स की वैल्यू। देन रेंज ऑफ आर बतानी है। रेंज ऑफ आर किसे कहते हैं हम, जो पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट आ रहे हैं, सेकंड एलिमेंट्स आएंगे, उन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ आर। तो एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और फोर से लेस है, तो क्या क्या वैल्यू होंगे एक्स की, 1, 2, 3। तो एक्स की ये वैल्यू हैं, तो ये वाई के आ जाएंगी, सेकंड एलिमेंट वाई है और वाई की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो यहाँ से रिलेशन के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू क्या बन रही है, एक्स प्लस फाइव। तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। एक्स की जगह 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 5 7। एक्स की जगह 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5 8। तो जो हमारे पेयर्स बने हैं आर में इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो पेयर्स हैं 1 6 2 7 और 3 8। अब इसमें रेंज क्या होगी, जो जो वाई की वैल्यू आई है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो रेंज बनाएंगे। तो रेंज ऑफ आर आ गई है 6 7 8, सेकेंड एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू एक्स वाई, देन द नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए इंटू बी इज, ए से बी सेट पर कितने फंक्शन बना सकते हैं हमें ये बताना है। तो ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, तो हम इसमें अलग अलग फंक्शन कितने बना सकते हैं ये बताना है। ए से बी के अंदर, ए सेट को किससे कनेक्ट कर रहे हो, बी सेट, ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं ये बताना है हमें। तो उसके लिए हम एक प्रिंसिपल है वो पढ़ते हैं पहले, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स, एसोसिएशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इवेंट्स। इवेंट्स हमारे पास जितने भी हैं उनको साथ साथ अगर हो रहे हैं वो हैपनिंग, तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट बनता है कि उनके जितने भी इवेंट्स के जितने नंबर ऑफ वेज होंगे, टोटल वेज निकालने तो उनके वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इसको समझने के लिए, जैसे होल है हमारे पास और होल में हमने दो तो वे हैं इंटरिंग द रूम, इंटरिंग द होल, दो इंटरिंग द रूम, इंटरिंग द होल, और थ्री वेज हैं एग्जिट द होल, थ्री डोर है। तो दो रास्ते तो इसके इंटर करने के हैं और तीन रास्ते एग्जिट करने के हैं होल से, इस तरह से। तो कंप्लीट प्रोसेस क्या है कि इंटर भी करना है और एग्जिट भी करना है, तो दो इवेंट हो गए, एक इंटरिंग और एक कंप्लीट। घटना जब ही होगी जब दोनों काम पूरे होंगे, इंटरिंग और एग्जिट, एग्जिट द रूम, इंटरिंग और एग्जिट द रूम, इसे बाहर निकलना है, एक इंटरिंग एक इंटर करना है। तो कितने वेज हो गए इंटरिंग द रूम, एक और एक दो, और एग्जिट के कितने वेज हो गए, थ्री। अब अगर हम यहाँ से गए यहाँ निकले, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया दो, एक ये हो गया तीन, अलग अलग कितने वेज होंगे इस कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया और ये सिक्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट जो इवेंट हैं, दो इवेंट मिलकर इसको पूरा कर रहे हैं, एक तो इंटरिंग द रूम और एक एग्जिट द रूम, होल कह सकते हैं रूम।
तो इंटरिंग के कितने वेज हैं दो और एग्जिट के कितने वेज हैं थ्री। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं तो दोनों के वेज की क्या होगी मल्टीप्लाई, टोटल वेज कितने आ रहे हैं सिक्स। तो अगर कोई भी काम कंप्लीट करना है, कोई इवेंट है, दो साथ साथ हैपनिंग हो रही है, दोनों के बगैर काम नहीं हो रहा है, तो दोनों के वेज को काउंट करके उनके वेज की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें इन दोनों सेटों की जरूरत रहेगी, ए की और बी की जोड़ने की। दोनों को साथ साथ हैपनिंग करवाना है तो साथ साथ हैपनिंग कितने वेज से होगी उतने ही फंक्शन होंगी। तो इसी तरीके से हम फर्स्ट एलिमेंट वन है, वन कैन बी एसोसिएटेड टू एनी ऑफ टू एलिमेंट्स, एनी ऑफ टू, टू कौन है एक्स और वाई। दो वे तो ये हो गए, वन को एक्स से भी जोड़ सकते हैं और वन को वाई से भी, बाई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एसोसिएशन ही तो है, वन एसोसिएटेड हो। दूसरा, टू कितनों से एसोसिएटेड हो सकता है, टू कैन बी एसोसिएटेड टू एनी ऑफ टू, इसको भी हम किन्हीं भी दो से एसोसिएट कर सकते हैं, या तो एक्स से या फिर वाई से, दो वे ये हो गए। तीसरा, थ्री कैन बी एसोसिएटेड टू एनी ऑफ टू, और कंप्लीट काम करने के लिए इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा तो थ्री इवेंट्स हो गए, एक इवेंट ये, एक इवेंट ये और एक इवेंट ये। और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट ये कहता है अगर साथ साथ हैपनिंग हो रही है किन्हीं इवेंट्स की, तो उनके वेज की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितने वेज हैं, टू टू और टू, तो टोटल वेज कितने हो गए, टू इंटू टू इंटू टू, एट वेज अलग अलग हम बना सकते हैं इनको जोड़ने के आपस में, एट वेज डिफरेंट होंगे उतने ही फंक्शन बन जाएंगे। अलग अलग जितने तरीकों से हम इनको एसोसिएट कर पाएंगे उतने ही फंक्शन होंगे। तो एट फंक्शंस वी कैन फॉर्म फ्रॉम ए टू बी। और डायरेक्ट याद रखने का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, जो सेकंड सेट है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ फंक्शन के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, बी में कितने एलिमेंट हैं और ए में कितने एलिमेंट हैं, तो बी में जितने एलिमेंट है उसकी पावर में क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए में कितने एलिमेंट हैं वो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो बी में कितने एलिमेंट है, टू, ए में कितने हैं, थ्री, तो टू रेज टू पावर थ्री कितने आ गए, एट। तो इस तरह से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी, अलग अलग कितने फंक्शन बन सकते हैं, एट। क्वेश्चन नंबर 29 है, वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो अगला चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे उसको, उसमें फॉर्मूले जो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो अब समझ में नहीं आएंगे, तो उससे अगला क्वेश्चन हम 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने फंक्शन बनेंगे एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी सेट पर टोटल कितने फंक्शन बनेंगे। तो देखो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने हैं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पी है नंबर ऑफ एलिमेंट, और बी में कितने हैं, क्यू एलिमेंट्स हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू हैं जो भी हों, ए बी सी डी कुछ भी। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला हो गया। अगर किन्हीं दो सेट के फंक्शन काउंट करने हैं, नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, पी हैं, और ए में कितने एलिमेंट है, क्यू। तो नंबर ऑफ फंक्शंस बन गए पी रेज टू पावर क्यू, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करने हैं किसी एक सेट से दूसरे सेट पर, तो नंबर ऑफ फंक्शन काउंट होंगे जो दूसरा सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, उसकी पावर में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे।